दोस्तों मैं इस वक्त बद्रकूट के एरिया में हूँ, बद्रकूट एरिया में जो टंगमर्ग में आता है, टंगमर्ग गुलमर्ग में। बहुत ही हुसैन और खूबसूरत जगह ये है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये कायगरू देवदार और बंदों के दरख्त अभी तक मौजूद हैं। कहीं पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, ये तो बहुत ही बड़ी खुशकिस्मत की बात है। तो इस जमन में मैं महकमे जंगलात की भी तारीफ करने से नहीं रुकूंगा, क्योंकि उनकी कोशिशों से ये सब जंगल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो ये दरख्त आप देख रहे हैं। मगर मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बद्रकूट के इस एरिया को टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट रिजॉर्ट करार दिया जाए और इसको टूरिस्ट रिजॉर्ट के तौर पर डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ के बेरोजगारों को भी रोजगार की एक राह निकल आए और यह की खूबसूरती में भी इजाफा हो सकेगा। तो ये आप देख रहे हैं किस कदर सरसब्ज और शादाब ये दरख्त यहाँ पर भी हैं। अच्छी तरह से इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है और ये ज़मीन आप जो देख रहे हैं इस सरमा की ठंडी ठंड में भी आप देख रहे हैं कितनी सरसब्ज और शादाब है, जबकि बाकी एरिया में तो ये खुश्क हो गया है। लेकिन ये बद्रकूट एरिया जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ सरसब्ज और शादाब ज़मीन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सब्जार इस वक्त ज़मीन पर मौजूद है जो आप देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बद्रकूट एरिया को, बद्रकूट गाँव को टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट रिजॉर्ट करार दिया जाए, ताकि कश्मीर की खूबसूरती में मजीद इजाफा होकर इसकी खूबसूरती में दुबालापन आ जाए। तो इस तरह यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों की भी एक दीर्घना मांग पूरी हो जाए कि इस एरिया को टूरिस्ट प्लेस करार देकर यहाँ की बेरोज़गारी का भी अजाला हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम।